नमस्कार, टॉपर लर्निंग की हिंदी कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है शब्द और पद। ये जो विषय है ये विशेषकर हमारे CBSE 10वीं कक्षा के कोर्स बी के विद्यार्थियों के लिए हैं। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक शब्द और पद की। शब्द और पद की बात करने से पहले हम सबसे पहले जानें कि शब्द किसे कहते हैं। कई बार हमने सुना है कि अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो सही है, लेकिन क्या सारे अक्षरों के समूह को हम शब्द कह सकते हैं? तो कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ जिसके ज़रिए आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम शब्द कहते किसे हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ अक्षरों के समूह लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा र, म और न, इससे मैंने बनाया रमन। उसके बाद मैं और एक अक्षर का समूह लिख रही हूँ क, ल, म, जिससे मैंने बनाया कलम। अब मैं एक अन्य अक्षरों का समूह लिख रही हूँ ल, क, म, इनको जोड़ने के बाद मेरा जो शब्द बना है वो है लकम। ठीक उसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखिए, स, क, म, इनको जोड़ने से जो शब्द बना है वो है स, क, म। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो पहले अक्षर समूह है रमन और कलम, ये क्या है? सार्थक शब्द समूह होने के कारण क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। उसके विपरीत जो अन्य शब्द समूह है लकम और सकम, हमारे क्या है? शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो शब्द हैं वो सार्थक नहीं है। इसीलिए हम शब्द किन्हें कहते हैं? अक्षरों के, ध्यान दीजिएगा, अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या है? अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आइए अब पद की बात करें। पहले मैं आपके सामने एक उदाहरण रखती हूँ, इस उदाहरण को जरा गौर से देखिएगा। रमन कलम से लिखता है, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रमन कलम से लिखता है, ये सभी क्या है? शब्द हैं। क्यों शब्द हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अक्षरों के क्या हैं? सार्थक समूह हैं, इसलिए क्या हैं? शब्द हैं। तो रमन कलम से लिखता है, ये सारे ही क्या हैं? शब्द हैं। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। तो यानी शब्द और पद में केवल मामूली सा क्या होता है? अंतर होता है। शब्द जहाँ पर वर्णों का क्या होता है? सार्थक समूह होता है। और पद क्या होता है? जब वो किस में प्रयुक्त होता है? वाक्य में। वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो ये था आपका पद और शब्द की परिभाषा और शब्द और पद का अंतर। आशा करते हैं कि इस कक्षा द्वारा हम आपके शब्द और पद के बीच के अंतर को स्पष्ट कर चुके हैं और आप इसे अच्छी तरह से भी समझ चुके हैं। आज की इस कक्षा से अब हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः एक नई कक्षा में हम आपको मिलेंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे टॉपर लर्निंग से। धन्यवाद।